अभी इमरजेंसी में खड़े हैं, अस्पताल के मालिक हैं। अरे अस्पताल में इंचार्ज हैं, अरे कहां पे इंचार्ज तो हूं अभी। अभी यहां के नहीं हैं भाई, यहां पे किसने कहा? ये ओपीडी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है। अरे मैं दौरी रो नहीं, यहां पे पूरा वार्ड जो है वो सारे इमरजेंसी में है। इलाज में दिक्कत नहीं डाली? अरे आप डाल रहे हो, आपके इलाज आपको पता कुछ है नहीं, आप बहस कर रहे हो। जेल भेज दूंगा, मैंने बोला मेरा मरीज मर जाएगा रेफर कर दो, मैं जा रहा हूँ घोरावल लेके वापस मेडिकल बनवाऊंगा। बोला तुम्हारा मरीज मर जाए भाड़ में जाए, मैं तुम्हारे मरीज का ठिकाना नहीं लिया हूँ। एक तरफ जहाँ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जिला अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, वहीं महकमे के कुछ डॉक्टर उनके मंसूबे पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोनभद्र के जिला अस्पताल से सामने आया, जहां डॉक्टर द्वारा मेडिकल बनाने के नाम पर 10,000 की घूस मरीज के परिजनों से मांगी गई। जब परिजनों ने पैसे देने से मना कर दिया तो डॉक्टर और परिजनों के बीच जमकर वाद विवाद हुआ। दरअसल घोरावल से दो लोग मारपीट मामले में जिला अस्पताल मेडिकल बनवाने पहुंचे थे। मेडिकल बनवाने के नाम पर डॉक्टर ने 10,000 रुपए धनराशि की मांग की। जब मरीज ने पैसे देने से मना कर दिया तो डॉक्टर ने अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मरीज के तीमारदारों को भगा दिया। परेशान मरीज ने इस बात की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की। बोले सर की सुबह में आए हमारे 48 घंटे हो गए आके रेफर होके, हमको सुबह बोले आप यार काफी दोगे, 3 दिन हो गए ना मेडिकल नहीं बनाए, तो इन लोग कायदे से इलाज किए, ऐसे ही बेड पे मरते हुए पड़े हैं, बस ऐसे सुई दे के छोड़ दे रहे हैं। ये बोले जाओ अच्छा सुबह अगर तुम्हारा हो गया है थर्ड पार्टी का, ये लोग एफ आई आर बना दिए, सब कुछ कर दिए, छोटा चोट लगी हुई है, अभी तक मेडिकल मेडिकल भी नहीं बनाऊंगा वहाँ। उसके बाद डॉक्टर साहब क्या करते नीचे कह रहे हैं कि मेरा नाम प्रदीप सिंह है, जाओ तुम्हारा मेडिकल सुनो, जो और यहाँ से भाग जाओ ना तुमको जेल भेज दूंगा। मैंने बोला मेरा मरीज मर जाएगा रेफर कर दो, मैं जा रहा हूँ घोरावल लेके वापस मेडिकल बनवाऊंगा। बोला तुम्हारा मरीज मर जाए भाड़ में जाए, मैं तुम्हारे मरीज का ठिकाना नहीं लिया हूँ। जब मामले की जानकारी पत्रकारों को हुई तो पत्रकार भी मौके पर पहुंचे, तब इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर प्रदीप सिंह पत्रकारों से उलझ गए और उन्होंने पत्रकारों को वीडियो बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में वीडियो बनाना मना है। अभी इमरजेंसी में मालिक इमरजेंसी में खड़े हैं, अस्पताल के मालिक हैं। अरे अस्पताल में इंचार्ज हैं, अरे कहां पे इंचार्ज तो हूं अभी। अभी यहां के नहीं हैं भाई, यहां पे किसने कहा? ये ओपीडी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है। अरे मैं दौरी रो नहीं, यहां पे पूरा वार्ड जो है वो सारे इमरजेंसी में है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत किए जाने पर बौखलाए चिकित्सक ने मौके पर पुलिस को भी बुला लिया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस मरीज की शिकायत सुनकर वापस लौट गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी ड्यूटी से डॉक्टर प्रदीप सिंह को तत्काल हटा दिया और उनका एक दिन का वेतन भी रोक दिया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है।